ओके, सो नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, और उसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया। तो सभी क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि आपको सिर्फ तीन चीजें ही हेल्प कर रही हैं, और आई कैन से सॉरी फोर चीजें। वन इज मिरर फार्मूला, सेकेंड इज मैग्निफिकेशन फार्मूला, थर्ड इज नॉलेज अबाउट द रे, नॉलेज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एंड फोर्थ इज साइन कन्वेंशन। अगर आप इन चार चीजों में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत आसानी से स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाई इन ऑल इन दिस फोर टॉपिक्स ओनली। इन सिर्फ इन चार टॉपिक्स में ही सारे सारे कॉन्सेप्ट घूमते हैं, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट होते भी नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, चाहे तो आप दो से तीन बार चार बार इन्हीं चार टॉपिक्स को रीड करें, ताकि आप बहुत अच्छे से इनमें फ्लुएंट हो जाए, देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करके देखें, देन यू विल गेट द एक्चुअल फील ऑफ दिस टॉपिक। नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नाउ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दिस सेम टॉपिक, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने से ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे ओपन होते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। आई होप यू हैव रीड द क्वेश्चन नंबर 23, बट मैं भी एक बार रीड कर देता हूँ। बाय यूजिंग अ कॉन्केव मिरर द इमेज ऑफ द सन इज फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/4 ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर में आपने सन की एक इमेज फॉर्म करी। अब सन की इमेज अगर मैं कॉन्केव मिरर में फॉर्म करूंगा, सो मैं सन को क्या इन्फिनिटी पे मान सकता हूं? यस, बिकॉज सन बहुत दूर है, हमारे कॉन्केव मिरर से सन बहुत दूर है। इट मींस सन से आने वाली सभी रेस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली है। इट मींस ये कुछ इस तरह से डायग्राम स्केच होने वाला है। Let us say this is our concave mirror and this is our principal axis. Now, sun se aane wali rays जो कि infinite object से आ रही है, वो सभी rays आपकी principal axis के parallel हो जाएगी। So it means they will strike the mirror like this. वो mirror को कुछ इस तरह से strike करेंगी, and हमने ये पढ़ा था कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर को स्ट्राइक करती हैं, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो जाती हैं। लेट अस से दिस इज फोकस, सो इट मींस जो रे है वो इस तरह से पास हो जाएगी, ये वाली रे कुछ इस तरह से पास होगी, एंड सिमिलरली दीज टू रेज आल्सो। इट मींस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, हमने इमेज फॉर्मेशन में ये सीखा था कि उसकी इमेज हमेशा फोकस के ऊपर बनेगी। इट मींस अगर मुझे सन की इमेज को बनाना है तो वो कहां पे बनेगी? फोकस पे, क्योंकि मैं स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन इज नथिंग बट अ शीट ऑफ पेपर, ऐसा एक शीट ऑफ पेपर है, आप उसको कॉन्केव मिरर के सामने रख दीजिए, यू विल फाइंड अ स्पॉट ऑन दिस शीट, आप उसे बड़े आसानी से देख सकते हैं। सो इट मींस जो सन की इमेज है वो फोकस के ऊपर बनने वाली है। इट मींस स्क्रीन को भी मैं कहां रखूंगा? फोकस के ऊपर रखूंगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आप एक स्क्रीन को रखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा एक आपने कॉन्केव मिरर पकड़ा हुआ है और यहाँ सामने ऐसा मैंने ये कागज लगा दिया लाइक दिस, तो सन से लेट से यहाँ से रेज आ रही है, तो ये ऐसा कॉन्केव मिरर है, इस मिरर में आके रेज टकराएंगी और फिर सामने ये जो शीट है इसके ऊपर आपका सन दिखने लगेगा। सो यहाँ पे ऐसा ब्राइट सा स्पॉट यू विल फाइंड दिस। ओके, सो इट मींस हमें ऑब्जेक्ट की इमेज लेने के लिए, हमें सन की इमेज लेने के लिए जो शीट ऑफ पेपर है, जो हमारी स्क्रीन है, उसको फोकस पे रखना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, विच वन इज करेक्ट, वी कैन सी दिस,
क्या इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकस? ऑब्वियसली नॉट. फोकस इज व्हाट? इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वी विल सी ऑप्शन बी, ऑप्शन टू, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी. सो इट मीन्स फॉर 23rd क्वेश्चन हमें सन की इमेज लेने के लिए जो स्क्रीन है, जो शीट है, उसे फोकस पे रखना होगा. दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, दिस इज वेरी क्लियर आई गेस. देन लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 सेज द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू सी द रियर व्यू फील्ड इज. जो पीछे का देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? हमने ये चीज को डिस्कस किया था. दैट इज आइदर इज अ कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन और नन ऑफ दीज. विच वन शुड बी द आंसर? यस, इट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर हमने डिस्कस किया था. वाई कॉन्वेक्स मिरर? हमने ये भी डिस्कस किया था क्योंकि उसका स्पैन बहुत बड़ा होता है. वो मिरर कुछ ऐसा दिखता है. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस वन. सो इट मीन्स यहां पे ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपने अंदर ले सकता है. लेकिन वही कॉनकेव मिरर जो है ये ज्यादा से ज्यादा लाइट नहीं ले सकता बिकॉज इसका शेप ही कुछ ऐसा है. लेकिन यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग है आउटवर्ड्स. सो मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर आके गिर सकती है. इट मीन्स जब हम गाड़ी चलाएंगे तो रियर व्यू में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं तो पीछे का एक बहुत ही ब्रॉड व्यू आपको दिखने लगेगा. रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियां तो दिखेंगी, साथ में जो हवा में प्लेन उड़ रहा है वो भी दिखने लगे. ओके, यू कैन सी दिस. दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन. आपने देखा होगा रियर फील्ड व्यू जो है, मिरर जो है, उस मिरर में आपको आसमान भी दिखाई देता है अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे. सो इट मीन्स सोचिए उसका स्पैन कितना बड़ा है. वो मिरर इतना सा है लेकिन उसका स्पैन कितना ज्यादा है कि वो आसमान से लेके जमीन तक का पूरा एरिया एक बार में कवर कर लेता है. ओके, सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज कॉन्वेक्स मिरर. दैट इज बी, क्वेश्चन नंबर 24. देन क्वेश्चन नंबर 25. द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट्स. सर्च लाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है? इट इज कॉन्केव मिरर. ऐसा हमने डिस्कस किया था एग्जाम में लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था. जब भी हमने सर्च लाइट्स के बारे में पढ़ा था, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर का यूज हम सर्च लाइट्स में क्यों करते हैं? बिकॉज कॉन्केव मिरर से हम एक शार्प बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हेडलाइट्स में भी जरूरत पड़ती है. जो कि आपने जो टावर होता है, जो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस में भी आपने देखा होगा बहुत बड़ी सारी एक लाइट लगी होती है. कार्टून्स में देखा होगा एक लाइट घूमती रहती है गोल गोल. सो दैट वॉज अ लाइट हाउस. सिमिलरली सर्च लाइट में भी, टॉर्च में भी हमारा एम क्या होता है? एक परफेक्ट बीम प्रोड्यूस करना, एक लाइट की बिल्कुल पैरेलल बीम प्रोड्यूस करना. सो यू विल यूज कॉनकेव मिरर. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज कॉनकेव मिरर. सो 24 इज डन, 25 इज डन. 26th. इफ अ मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ प्लस 15 सेंटीमीटर इट इज अ विच वन? आइदर इज अ कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और नन ऑफ दीज. सो वी कैन सी फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर विच मिरर? यस, वी नो द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ए, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 सेज Which of the following correctly depicts the reflection of a light ray on a spherical mirror? मतलब आपके सामने चार डायग्राम्स दिए गए हैं. आपको ये बताना है कि कौन सा डायग्राम प्रॉपरली रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है बाय अ स्फेरिकल मिरर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स. आपको रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि जब भी एक लाइट रे किसी स्फेरिकल मिरर से टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन से इसकी एक कॉनकेव मिरर बना हुआ है. कॉनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है. प्रिंसिपल एक्सिस में पोल और फोकस को मार्क किया गया है. नाउ एक लाइट रे जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आके इस कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रही है, उसे कहां से पास होना चाहिए?
ऑब्वियसली जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसे फोकस से पास होना चाहिए, बट ये लाइट रे फोकस से पास ना होके कहीं और से डाइवर्ट हो रही है. सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मीन्स यहाँ पे करेक्टली उसने रिफ्लेक्शन को शो नहीं किया. सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन लेट अस सी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन बी वी कैन सी कि देर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, देर इज नो कॉन्केव मिरर, देर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इस कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस पॉइंट बना हुआ है और पोल बना हुआ है. नाउ अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगा और वो फोकस से पास होगा. क्या ये डायग्राम करेक्ट है? Obviously not. Why it is so? Because this is a convex mirror. So convex mirror में जो focus होता है वो pole के right hand side में होता है, लेकिन यहाँ पे focus को उसने pole के left hand side में बनाया, which is wrong. Obviously wrong. So it means option B is also wrong. Because focus को गलत जगह पे बनाया गया है. Okay. Then let us see the option C. Option C में एक concave mirror बना हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक फोकस है और एक पोल है. नाउ एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर को स्ट्राइक करती है, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है. और किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है? ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी. तो क्या ये लाइट रे फोकस से पास हो रही है? ऑब्वियसली यस. क्या फोकस सही जगह पे बना हुआ है? यस, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होता है. सो इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी में बिल्कुल सही तरीके से रिफ्लेक्शन को शो किया गया है. लेकिन ऑप्शन डी को भी हम समझेंगे कि इसमें क्या गलती है. ओके, सो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इस कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, उसके बाद एक फोकस दिया हुआ है और एक पोल दिया हुआ है. नाउ एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर को टकराती है, इस मिरर को स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अगेन हमें दिख रहा है कि पैरेलल ही जा रही है. क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली नॉट. इट शुड पास फ्रॉम द फोकस. हमें दिखेगा कि ये लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस कॉन्वेक्स मिरर को टकराएगी तो ऐसा अज्यूम होगा कि ये फोकस से पास हो रही है. अदरवाइज ये फोकस से पास नहीं होगी, ऐसा हमने डायग्राम में देखा था जब हमने इमेज फॉर्मेशन को स्टडी किया था. सो इट मींस ऑप्शन डी में क्या गलती है कि जो लाइट रे पैरेलल टकरा रही है वो रिबाउंड बैक नहीं होगी, एज इट इज अपने पाथ को ट्रेस नहीं कर जाएगी, वो फोकस के थ्रू पास होगी. हेंस दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27, इट वॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. आपने देखा यहाँ पे कोई फॉर्मूला या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, सिर्फ आप इमेज फॉर्मेशन को याद रखें और आप क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 सेज अ रे इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली एट 90 डिग्री, देन फाइंड द इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर कहें देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिरर है. ओके, उस मिरर में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं और मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती हैं. ओके, मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करें, इट मीन्स लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम. हम एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करके देखते हैं. Let us say this is a concave mirror. इस concave mirror में एक इस तरह से let us draw a principal axis. हमें principal axis थोड़ी सी ऊपर बनाई है because we need to understand the center of curvature and this reflection. जो reflection जिसकी ये बात कर रहा है. Let us say this is focus.
and this is center of curvature. We will say कि एक ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है. जो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है उससे निकलने वाली रे लेट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, समथिंग लाइक दिस. और इस मिरर को स्ट्राइक करती है. नाउ अगर मैं इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जहां पे ये लाइट रे इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो नॉर्मल विल बी दिस रे ओनली. क्या कहा मैंने, नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल यही रे होगी, बिकॉज हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे पास हो रही है. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये क्या है, ये इस स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर है उसका सेंटर है. और हम ये जानते हैं कि सेंटर से मिरर जो सेंटर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर या परपेंडिकुलर टू द स्फीयर. कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्फीयर, इस स्फीयर में लेट से दिस इज द सेंटर. तो सेंटर से अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस स्फीयर को टच कर रही है, सो दिस लाइन विल बी 90 डिग्री विद दिस पॉइंट. ओके, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो यहां पे भी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पास होने वाली लाइन इस रेडियस, एक तरह से रेडियस की तरह बिहेव कर रही है, बिकॉज दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ओनली. ये यहां दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से दिस इज ओ CO, बिकॉज दिस इज अ स्फीयर. ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, एक टुकड़ा है स्फीयर का, इसीलिए CO इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. इट मीन्स ये जो लाइट रे जिसने स्ट्राइक किया है इस मिरर को उसने भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है. इट मीन्स नॉर्मल और इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे आर सेम, दे आर वन एंड द सेम थिंग. अगर नॉर्मल और इंसिडेंस रे ओवरलैप करती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि उस केस में इंसिडेंस एंगल जो होता है वो कितना होता है, जीरो डिग्री, दैट इज जीरो डिग्री. सो इन दिस क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 28, आंसर इज ए, दैट इज जीरो डिग्री. व्हाई सो, बिकॉज नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे आर ओवरलैपिंग, और वी कैन से लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री टू द स्फेरिकल मिरर. सो दिस इज द रीजन कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, और नॉर्मल भी वहीं से ही पास होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि द इंसिडेंस एंगल इज 0 डिग्री. अगर इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है देन रिफ्लेक्शन एंगल कितना, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस इट इज ऑल्सो 0 डिग्री. तो हम देखते हैं कि हर बार जो भी लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करती है वो बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है, जैसा प्लेन मिरर में देखा था. जो लाइट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है वो 90 डिग्री पे रिवाउंड बैक हो जाती है. तो यहां पे इस तरह से 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सेम ही है वही जो प्लेन मिरर में था, 90 डिग्री बस अलग तरीके से फॉर्म होता है. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 28. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29. What is the value of theta in the following ray diagram? Okay, so let us first sketch this ray diagram.
ओके, सो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एक लाइट रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर को स्ट्राइक करती है एंड देन स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है एंड इट विल गो लाइक दिस. ये टकरा के इस तरह से पास हुई, लेकिन दिख रहा है कि ये फोकस से पास हो रही है. नाउ आई कैन से कि जो लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के ऊपर डाली है वो लाइन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था 90 डिग्री पे होगी. सो इट मींस फॉर दिस रिफ्लेक्शन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट से दिस इज ओ, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट से दिस इज ए. सो ए ओ इज द इंसिडेंट रे, ए ओ इज वॉट, इट इज द इंसिडेंट रे. नाउ आई कैन से द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ लेट से दिस इज बी, लेट से दिस इज बी, सो ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे. सो इट मीन्स द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस एंगल इज इक्वल टू आर, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज आर. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कैन आई से थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आर, थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आर, दैट इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो एफ बी जो लाइन है, एफ बी एंड दिस इज ओ सी, एफ बी एंड ओ सी के बीच में एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है 25 डिग्री का एंड एक एंगल और फॉर्म हो रहा है. लेट अस ड्रॉ दिस, यू विल फाइंड कि दिस लाइन एंड दिस लाइन, इन बिटवीन दीज टू लाइन्स हम देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 25 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो सेम बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दिस एंगल ओ बी ओ थीटा, बी ओ थीटा जो एंगल है ये वाला, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल सी ओ एफ. सो आई विल से एंगल आर इज इक्वल्स टू 25 डिग्रीज, बिकॉज ये जो एंगल आर है, ये एंगल आर इस एंगल 25 डिग्री के एंगल का वर्टिकली अपोजिट है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल आर इज 25 डिग्री, इट मीन्स एंगल आई इज ऑल्सो इक्वल टू 25 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, इट मीन्स ऑप्शन सी. सो यू कैन सी क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था कि आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर डालेंगे वो लाइन इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, दैट इज नॉर्मल होगी. तो हमने कहा कि ओ जो था वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ उसके बाद हमने देखा कि एफ बी और ये जो सी ओ है जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल इज रिफ्लेक्शन एंगल एंड वन इज दिस एंगल विच इज गिवन एज 25 डिग्री एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दैट्स वाई हमने कहा कि आर भी 25 डिग्री है, आर 25 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई भी 25 है एंड थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 सेज एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन ए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ऑब्जेक्ट, देन ऑप्शन बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ऑप्शन डी
when the distance of the object from the mirror is equal to the focal length of the mirror. Okay, so question number 30 हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ. ऑप्शन ए कहता है कि ऐसा संभव नहीं है कि आप कभी भी एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकते. देन ऑप्शन बी कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर पे रख दोगे एक कॉन्वेक्स मिरर से तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि अगर आप उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना दूरी है उतनी दूरी पे अगर रख दोगे तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. एंड ऑप्शन डी क्या कहता है कि अगर आप उसको फोकल लेंथ जितनी दूरी पे रख दोगे तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट रीड वंस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. आप उसी चीज को एक बार के लिए रीड करें, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. सो रीड करने पे आप ये पाएंगे कि कभी भी आप एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकते. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज दे दे. ओके, इट कैन ओनली बी पॉसिबल इन अ कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही मिलने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलेगी. सो आई कैन से फॉर क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए दैट इज अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू विल गेट अ इन्वर्टेड इमेज. सो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था अगर हमें ये पता हो कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर में. सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि आप फोकस करिए इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की, उसे समझने की एंड उसे लर्न करने की, क्योंकि वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 30. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 सेज विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको पता लगाना है. मतलब सही स्टेटमेंट अभी तक हम पता लगाते आ रहे थे, लेकिन अब आपको गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है. ओके, सो अगर आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है इट मीन्स आपको उस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी जरूरी है. सो लेट अस रीड द ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेज अ कॉन्केव मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज. क्या एक कॉन्केव मिरर एक वर्चुअल इमेज दे सकता है? हमने इस चीज को डिस्कस किया था. यस, कॉन्केव मिरर एक वर्चुअल इमेज दे सकता है. कब दे सकता है? जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं. फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो बट हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना, हमें तो कौन सा ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है. सो दिस इज नॉट अवर आंसर. ओके, देन रीड द सेकेंड ऑप्शन. अ कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज. क्या ये सही है कि एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है? क्या या फिर वर्चुअल इमेज दे सकता है? यस, कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही देता है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर बिकॉज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, देन लेट अस कम टू द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सेज अ कॉन्केव मिरर कैन गिव अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज. ओके, नाउ इस चीज को समझने के लिए आपको रे डायग्राम को स्केच करना है. हमने स्केच किया था, प्लीज टर्न योर पेजेस एंड उस रे डायग्राम को देखिए. उस रे डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. कॉन्केव मिरर एक डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज देता है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट. कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्निफाइड होती है, वो उसका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. इट मींस ऑब्जेक्ट की जो इमेज वर्चुअल बन रही है कॉन्केव मिरर में, वो इमेज हमेशा बड़ी होगी साइज में. इट इज नॉट ए डिमिनिश्ड इमेज. अगर डिमिनिश्ड नहीं है इट मींस ऑप्शन सी इज रॉन्ग. मींस स्टेटमेंट में जो सी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड दिस इज अवर आंसर. बट हम डी ऑप्शन को भी रीड करते हैं. ऑप्शन डी सेज अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट गिव अ रियल इमेज. क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं दे सकता? क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? Obviously, this statement is true. हमने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, वहां पे कहीं पे भी रियल इमेज फॉर्म होती ही नहीं. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
So, which is the wrong statement? Only option C. The concave mirror cannot give a diminished image. Virtual image जो देता है वो diminish नहीं होती, उसका size बड़ा होता है. So, for 31st question, answer is C, option C. Okay. So, we have discussed 31st. So, let us discuss the last question of this topic. The relation between V, U and F for a given mirror, for a mirror is given by, and you have four options, आपको चार options में से बताना है कि कौन सा relation show करता है F, U और V के बीच में. So, we can solve this. कैसे? आप देख सकते हैं सभी options में focus is equals to something something दिया हुआ है, F is equals to something something. It means हम mirror formula, that is 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि F का वैल्यू हमें मिल जाए. ओके, सो वी कैन राइट 1 upon F इज इक्वल्स टू V एंड U का हम LCM ले लेते हैं, द LCM विल बी U into V. सो ऊपर क्या आ जाएगा, UV upon V इज इक्वल्स टू U प्लस U into V upon U इज इक्वल्स टू V. सो यू विल गेट F इज इक्वल्स टू U into V upon U plus V. So focus is equals to U into V upon U plus V. That is option C. Option C is the correct option. So this was the 32nd question. So यहाँ पे हमने reflection topic को खत्म कर लिया है, सारे concepts को discuss कर लिया है, सारे questions को discuss कर लिया है important. Now it is up to you, आपको अब पढ़ना है, आपको इस चीज को complete करना है. Okay? So from the next class we will discuss refraction. We will start a new topic, that is refraction. Till then, thank you and best of luck.